सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की 60वीं पुण्यतिथि पर पार्टी मुख्यालय और राजीव भवन शिमला में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे वर्ष 1947 के बाद आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद किया उनकी पुण्यतिथि पे। आज के दिन 1964 में देश के पहले प्रधानमंत्री जी हमारे बीच नहीं रहे। जवाहरलाल नेहरू जी उन लोगों में से हैं, वो हीरोज हैं देश के, जिनको हमेशा भारतवर्ष याद करता रहेगा। ये वो हीरोज हैं जब देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन था, तो आज़ादी का जो संघर्ष था उस संघर्ष में पंडित नेहरू जी महात्मा गांधी जैसे लोगों के साथ मैन हीरोज में से ये लोग थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। एक बहुत बड़ा संघर्ष आज़ादी को लेके जो हुआ, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के जो लोग थे उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू जी को पहला देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। और जब देश आज़ाद हुआ तो देश बहुत गरीब था, गुलामी के बाद हमारे देश की जो हालात थी बहुत ख़राब थी। ये कहिए आपके अंग्रेज़ जो कुछ भारत में था वो लूट गए थे। देश को एक करना, छोटी छोटी रियासतें देश के अंदर थी और देश की हालात ये थी कि सुई तक जो है हमारे देश में नहीं बनती थी। उस दौर में गरीब देश को आगे किया, प्रधानमंत्री बने, देश को आगे चलाया और ऐसी नीतियां देश के लिए बनाई कि देश कुछ वर्षों के अंदर हर जगह आगे बढ़ा। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहाँ देश के प्रधानमंत्री, जैसे भाखड़ा बांध बना, देश में पहला बांध था, तो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी खुद उसकी समीक्षा करने और उसको देखने जाते थे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी कि इन लोगों ने किस प्रकार नीतियां बना के देश को इकट्ठा जोड़ा, देश को एक मजबूत देश बनाने के लिए और देश में औद्योगीकरण करने के लिए, कृषि को और बढ़ाने के लिए बहुत सारी नीतियां बनी और उन नीतियों को आगे बढ़ाया। तो ये ऐसे नेता थे जिन्होंने आधुनिक भारत की जो है नींव रखी। और आज अगर भारतवर्ष आज़ादी के 75 साल बाद एक मजबूत भारत और बना है तो इसमें इन लोगों की वो भूमिका है जो आधारशिला इन नेताओं ने रखी। चाचा नेहरू के नाम से विख्यात हुए, उनके जन्मदिन को 14 नवंबर को लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि बच्चों से प्यार करते थे। उनके परिवार के पास जो भी संपत्तियां, उनके पिता के पास मोतीलाल नेहरू जी के पास आज़ादी के संघर्ष के टाइम जो भी संपत्तियां थी उन्होंने वो आज़ादी के संघर्ष में लगाई। तो ये वो देश के हीरो हैं जिनको देश हमेशा याद रखेगा और उनका आज़ादी के संघर्ष में और आज़ादी के बाद देश को निर्माण में जो सहयोग रहा उसको जो है भारतवर्ष कांग्रेस पार्टी हमेशा याद करती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।